अंकल भी नहीं आया, हम ही आ रहे। नहीं आया क्या है समस्या आपकी? समस्या ये है कि पानी लेने के लिए फाटक उस पार जाके चापाकल से लेके आना पड़ रहा है, 10 रुपया इधर से और 20 रुपया उधर से भाड़ा देना पड़ रहा है। अच्छा, पानी नहीं मिल रहा हम लोगों को। कितने दिनों से समस्या है? ये है आज 22 दिन हो गया। अच्छा, इस मोहल्ले में एकदम लाइट आती नहीं है? कहाँ लाइट आई है, 15-20 दिन भाई, 18 दिन तो ट्रांसफार्मर कर रहे थे लोग, और उसके बाद से ये हुआ कि अभी 11,000 खत्म हो गया। मतलब हम लोग पैसा भी दे बर्बाद भी हो, और जो 72 रुपया चला रहा है वो फ्री चला रहा है, सब गीजर गीजर और हीटर और क्या एसी ओसी सब चला रहा है, कोई मतलब थोड़ा ना ये। ऐसी भीषण गर्मी में आपको बड़ी प्राप्त? अरे बच्चों की तबीयत खराब हो जा रही है, 200-200 रुपया फीस देकर बच्चों को दिखाया जा रहा है। क्या है मोहल्ले की समस्या? अब यही है, पानी वगैरह भी नहीं है, न बिजली है, और पूरा 22 रोज से जो है ट्रांसफार्मर रोज जल जा रहा है, चौका ही एरिया में खाली जल रहा है और कहीं जड़ी नहीं जा रहा है। इसी सीधा के में पूरा हसन मक्का सानी परेशान है, ये मोहल्ला हसन मक्का सानी चौक पड़ता है। क्या नाम है आपका? हीरा। हीरा जी, कब से लाइन ना हुआ था मोहल्ला में? तो अरे लाइन 2-3 दिन से नहीं आ रहा है। अच्छा, कई दिन से ना हुआ था लाइन, काफी परेशानी होता है? परेशानी तो ये है। चलो ठीक है हीरा भाई, बिजली की समस्या आपके मोहल्ले में? मऊ में फीडर संख्या 4 जो हमारा है, वो उसकी समस्या इतनी विकराल है कि पिछले 15 दिनों से लगातार यहाँ के व्यापारी और बुनकर त्राय त्राय मचा रहे हैं। भीषण गर्मी में न पानी पीने को मिल रहा है व्यक्ति को, न तो जो है इस गर्मी से निजात मिल रहा है। अधिकारियों से बात करने पर कोई भी जो है सकारात्मक जो है उत्तर नहीं मिलता है। अधिकारी हम लोगों को हवा में मूर्ख बनाते हैं कि वहाँ फॉल्ट है, वहाँ फॉल्ट है, जबकि वास्तविकता इससे बहुत अलग है। सच बात तो यह है कि फीडर संख्या 4 में केवल व्यापारी वर्ग हैं, यहाँ किसी भी तरह की धन उगाही नहीं हो पाती है, इस कारण यहाँ के ट्रांसफार्मर हमेशा सौतेला व्यवहार के साथ बिजली के हमारे कर्मचारी और व्यापार अधिकारीगण करते हैं। वास्तविकता यही है कि यहाँ से पर कोई भी आर्थिक धन उगाही नहीं हो पाती है, इसलिए इसको किनारे कर दिया जाता है। सारा मऊ का जब ट्रांसफार्मर बन जाता है, सब चालू हो जाता है, तब फीडर संख्या 4 की लोगों को याद आती है, वो भी कोई कहीं से किसी भी प्रकार का दबाव नहीं महसूस होता है, जब मन किया चालू किया, जब मन किया बंद किया। तो इससे हमारा व्यापारी समाज तो इतना आहत है कि लगातार पिछले दिनों व्यापार मंडल ने जिलाधिकारी महोदय को भी इस बाबत ज्ञापन दिया, लेकिन उनके आश्वासन देने के बाद भी कोई भी
सकारात्मक योगदान जो अधिकारियों ने नहीं किया, इससे बहुत जनता जो आक्रोशित है। कभी भी कोई भी ऐसी घटना घट सकती है जिसका कि कोई परवाह नहीं, अगर अधिकारी नहीं चेतेंगे तो अब जनता अपने अपने को काबू में रखने में सक्षम नहीं है।